हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं वो सन, आप देख रहे हैं रिव्यू पॉइंट। तो गाइज, काफ़ी देर से मुझे लोगों के नीचे कमेंट आ रहे थे कि आप गुंजल मूवी, दाईचाल मूवी और साथ चक्कर मूवी का क्यों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की वीडियो अपलोड नहीं कर रहे। काफ़ी यूट्यूबर कोई भी अपलोड नहीं कर रहा है, क्या वजह? वो आज इस वीडियो में बताऊंगा। ये मूवी फ्लॉप हुई है, हिट हुई है, वो भी आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो पूरी देखिए, काफी मजा आने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। इस बार 3 मूवी रिलीज हुई थी दिसंबर में। जो पहली मूवी थी, जिस मूवी का नाम था चिकट, जिसकी कास्ट में उस्मान मुख्तार और रोशना शाह थे। दूसरी मूवी थी दईचाल, जिसकी कास्ट में शमून अब्बासी, हुमायूं अशरफ और साथ आयशा उमर। और साथ मूवी रिलीज हुई थी गुंजल, जिसमें अहमद अली अकबर, आमना इलियास इसकी कास्ट में थे, जो कि सच्ची घटनाओं पर बेस्ड मूवी थी। अब बात करें इनमें से कौन सी मूवी हिट हुई और कौन सी फ्लॉप हुई, ये मैं आपको बता दूं। इन मूवी का अभी तक ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं आए हैं। हमारे पाकिस्तान में एक दो ट्रेड एनालिस्ट है, एक है अली जैन, जिनको पॉलिटिशियन के अलावा कुछ पता नहीं होता है। पॉलिटिक्स के अलावा किसी चीज का, मूवीज का, काफी मूवीज हो गई है। मैं मेरे ख्याल से पिछले साल की जो मूवीज थी आखिरी, उनसे उनके बाद तक अब तक उसने कोई कलेक्शन अपलोड नहीं किया है, जिनका ये काम है मूवीज के कलेक्शन अपलोड करना। उनको सिर्फ पॉलिटिक्स की परी है कि पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, उनके लिए रिलेटेड ही ट्वीट करते हैं। अगर बात करें इन मूवी से कोई मूवी हिट हुई है कि नहीं, तो मैं आपको कन्फर्म बता दूं, ये मूवी डिजास्टर मूवी साबित हुई है ये तीनों मूवीज, क्योंकि इनको देखने कोई आवाम नहीं गई है। इनमें से दईचाल मूवी ने थोड़ा सा अच्छा बिजनेस किया है, यानी कि कुछ पैसे ज्यादा कमाए हैं, लेकिन वो मूवीज भी फ्लॉप गई है। इनके ऑफिशियल कलेक्शन नहीं है, लेकिन ये कन्फर्म बात है कि तीनों मूवीज फ्लॉप गई। कि इस वजह से हमारी रिक्वेस्ट है फिल्म मेकर्स वगैरह से कि कुछ ऑफिशियल कलेक्शन अपलोड कर दिया करें, ताकि ऑडियंस को भी पता लगे। बाकी वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले, तब तक अल्लाह हाफिज़।